से अपना भाव पर जग मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दू भय अपना भाव भय जग सुनता हूं कि जादू है ये राजा जी के पद पर कछु में पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में पत्थर में इसलिए भगवान चरणों की रज का जप प्रभाव विचार कर रहा हूं जब आपके चरणों की रज का प्रभाव पत्थर बहुत कठोर होता है उस पर उसका असर हो सकता है तो मेरी नौका तो काठ की है और फिर न जाने कब से माँ गंगा में पानी में चल रही है और देखिए आप चरणों की रज का जब प्रभाव चरणों की रज का जब प्रभाव पत्थर और शिला में है चरणों सोच रहा हूं मेरी नौका तो काठ की है मेरी नौका तो काठ की है बस छूते ही छू महिंदर हो इसलिए अपना और मेरा अब बात कुछ ऐसी हो कि आपका भी काम हो जाए हमारा भी हो जाए क्योंकि न जाने कब से प्रतीक्षा हम आपकी कर रहे थे तो अपना और मेरा दोनों का काम बना लो राजा जी यदि आप बनाना चाहें तो बन सकता है बिल्कुल बनाएंगे अपना और मेरा दोनों का काम बना लो राजा जी इन चरणों की रज पर संशय है सो रज धुलवा लो राजा जी जो प्रभु पार अवश्य जा चढ़ऊ तो मोहि पद पदम पखारन कहूँ यदि आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझसे कहो कि केवट मेरे पैर धो लो और यदि आपने ऐसा नहीं कहा तो आप यहीं खड़े रहेंगे मैं अपनी नैया लाने वाला नहीं हूँ देखो केवट ये तुम व्यर्थ में संशय कर रहे हो जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ है नहीं कैसा नहीं जैसा तुम कह रहे हो आपकी चरणों से एक पत्थर नारी बना हाँ बनी बना नारी बनी नहीं पत्थर नारी बना हाँ पत्थर बना नारी पत्थर नारी बना पत्थर बना नारी ये पत्थर नारी बनी तो बनी कि नहीं बनी हाँ बन गई हाँ बन तो मैंने गलत तो नहीं सुना बिल्कुल नहीं गलत सुना तो हो सकता है मेरी नौका काठ की है पत्थर से ज्यादा वो कोमल है हाँ और आपके चरण उसमें लग जाए और वो भी नारी बन जाए किसी ऋषि मुनि के साथ देखो वो हमने काम अपने मन से नहीं किया है वो श्री विश्वामित्र जी ने हमसे कहा था गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रच चाहती कृपा करह रघुवीर है ना तो वो काम हमने अपने मन से तो हमने किया नहीं है तो तुम व्यर्थ में संशय मत करो और हमें अतिशीघ्र ही गंगा जी के उस पार करो क्योंकि हमें अभी गंगा जी के उस पार भी बहुत सारे काम करने हैं तो महाराज यही कर लो यहाँ भी तो मन है नहीं माँ गंगा के उस पार जैसे है वैसे इस पार है यहाँ का कर चुके हैं हम यहाँ का कर अब आगे करना है हो गंगा मैया का दौर आधार है और सच्चा आधार केवल माँ गंगा में नाव नहीं है आपके लिए हाँ आपके नाम का ही आधार इस संसार सागर से व्यक्ति को पार ले जाता है यहाँ निस्तार है वहाँ विस्तार है
कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। गंगा मैया का दौर आधार है, यहाँ निस्तार है, वहाँ विस्तार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। महाराज ऐसे कैसे कैसे, यदि कछुआ ही पार हो गया होता तो आज केवट की आवश्यकता आपको ना पड़ती। यदि कछुआ पार हो जाता तो केवट की आवश्यकता आपको पड़ती क्या? ये भी नहीं पड़ती। अब हमारी सुनो, सुनो। गंगा मैया कछुआ विस्तार है, यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है, जैसे अपार है वैसे व्यापार है, जैसे अपार है वैसे व्यापार है। महाराज देखिए संशय को और बढ़ा रहे हैं। कैसा संशय? ये सारा संसार ऋषियों मुनियों के सिर पर ये संसार भार है। इस संसार का कल्याण कौन करते हैं? ऋषि मुनि संत। और जो संतों का कल्याण करने के लिए जा रहे हो वो कौन हो सकते हैं? वो कोई साधारण नहीं हो सकते महाराज। समस्या खड़ी है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। गंगा मैया, गंगा मैया कछुआ विस्तार है, यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है, जैसे अपार वैसे व्यापार है, जैसे व्यापार है। और काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो? हम आपके सेवक हैं और सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम ऐसे कठोर धर्म का पालन करते हैं क्योंकि सूत्र है और सूत्र सेवक ही होता है। आप हैं छत्री, हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है तो आप हमसे दूर जा रहे हो। आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, बात तो तभी बनेगी। काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो, काहे बातन में हमका फंसाए रहे हो, जैसे अपार है वैसे व्यापार है, जैसे अपार है। गंगा मैया का दौर आधार है, वहाँ निस्तार है, यहाँ विस्तार है, जछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, जैसे अपार है वैसे व्यापार है, जैसे कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। देखो महाराज, 16 दुनिया 8 और राजनीति का पाठ ये आप हमें ना बताओ। हमने आपसे पहले बता दिया कि आपको माँ गंगा कुछ पार जाना है तो कहो कि केवट पहले मेरे पैर धुल लो फिर मुझे पार कर दो। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो भगवान यहीं खड़े रहेंगे क्योंकि मेरी समस्या है, मैं आपको उस पार नहीं ले जा सकता। और फिर आप हमें गरीब जानकर हमें दबा रहे हो,
आपकी बात कोई मानता है नहीं, हमसे काहे मनवा रहे। इनको तो सब कोई मानता लेकिन इनकी कोई नहीं मानता, और जो ना माने वही आपके भक्त है, वही आए। अच्छा ये ले जरा, आप अयोध्या से आए, आए आपके साथ में माता जी है सीता जी, तो आपने मना किया होगा कि हमारे साथ में ना जाओ। हाँ हाँ मना किया। आपकी बात मान गई? नहीं मानी। तो बताओ हम क्यों मान जाएं, जब आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान पाई हो, हमसे कह रहे हो कि बात मान जाओ। अच्छा आपके लेकिन लेकिन क्या, वो अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही है। तो महाराज हम भी तो अपने सेवक धर्म का पालन कर रहे। तुम कैसे सेवक हो सकते हो? क्यों, आप क्षत्रिय हैं और हम हैं शूद्र, तो शूद्र सेवक ही होता है। ये सही है, हम क्षत्रिय हैं तुम शूद्र हो। फिर शूद्र कर्म से ही सेवक है महाराज, तो हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कठोर धर्म का। फिर आपके साथ में, आपके साथ में आपके भैया है। लेकिन ये जो तुम्हारा संशय है ये गलत है। कौन सा? यही कौन सा संशय? अरे जो तुम बता रहे हो। अच्छा, कि कहीं हमारी नैया नारी ना बन जाए, ये संशय तुम्हारा गलत है। महाराज यदि मैंने आपको पार कर दिया तो देखिए ऐसा है। कैसा है? ये जो माँ गंगा है, ये माँ गंगा के माध्यम से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। हाँ, यही विधि पालो सब परवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं कोई दूसरा काम नहीं जाता माँ जानता, माँ गंगा में नाव चलाता हूँ, इसी से परिवार का उधर पोषण करता हूँ। और ये माँ गंगा कौन है? बोले राम भगत जहाँ सुर सरी धारा। ये भक्ति रूपी गंगा है जिसमें मैं अपनी नाव चला रहा हूँ, और यदि ये नाव नारी बन गई तो मेरी भक्ति छूट जाएगी, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। संशय इस बात का है, भोजन का नहीं है, कि खा लें और जिंदा बने रहें, मर चाहे आज जाए, हम इसकी समस्या नहीं है। लेकिन आप हमारे नेत्रों से ओझल ना हो, आपकी भक्ति हमसे दूर ना हो, हम ये चाहते हैं। फिर सुनो, हम बाबाओं की बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करते महाराज। अच्छा व्यास जी, हाँ ये भी है। बिल्कुल, बाबाओं की बात पे ज्यादा विश्वास नहीं करते क्योंकि सुनते रहते हैं। कैसा? ऐसे हम बता रहे, बताइए। अरे बाबन की बात न मानिए, बाबन की अरे बाबन की बात न मानिए, बाबन ने करी मन मानी, बाबन की बात न मानिए, बाबन ने करी। पापन की बात न मानी, पे पापन ने करी मन मानी। मनमानी कैसे करी? सबसे पहले आपके ही मन से बता रहे हैं। बताइए, इन संत महापुरुषों से बैर भली ना प्रीत, दूरी से प्रणाम कर लो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं ये सब कहो बनो बना बनाया, बिगाड़ दे और बिगड़ा बना दे, कोई भरोसा थोड़ी है। बाबा हरिश्चंद ग्रह आए, एक बाबा आए हरिश्चंद महाराज के पूर्वज। बाबा हरिश्चंद ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। बाबा हरिश्चंद ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। बाबन की बात न मानिए, बाबन ने करी मन मानी, बाबन की बात न मानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबा मकर ध्वज ढिंग आए, एक बाबा और।
बाबा मकरा ध्वज ढिंगे आए उनसे ऐसे वचन सुनाए। देखिए कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं। बाबा मकरा ध्वज ढिंगे आए उनसे ऐसे वचन सुनाए और राजा रानी सुत का चीरे। बताओ जिसके एक संतान हो, एक संतान हो और कोई कहे कि अपने हाथ से काटो, यहां तक तो ठीक है यदि व्यक्ति धर्म और नीति को मानने वाला है तो इतना कर सकता है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि काटते समय आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। ये बड़ी बात होती है, काटना आसान है लेकिन आंसू रोक पाना ये मुश्किल है। राजा रानी सुत का चीरे नैनन बहे न पानी, बाबन की बात न मानिए बाबन न करी मन मानी, बाबन की बात न मानिए बाबन। तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। आप कोई साधारण नहीं है, मैंने सुना है आपके बारे में। एक बार मिथिला को गए थे धनुआ तोड़ के आए, एक बार मिथिला को गए थे धनुआ तोड़ के आए, जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। अब देखो ये जानकी जी को ले आए वहां पर धनुष तोड़कर, और एक शर्त थी कि जो धनुष को तोड़ देगा वो कोई साधारण नहीं होगा। वो कौन होगा? बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो तीनों लोकों का राजा। अब बताओ तीनों लोकों का राजा केवट से नाव मांगे, क्या सोचोगे आप? वही तो मेरी भी बुद्धि खराब हो रही है। जनक सुता जग जननी जानकी सीता का ले आए, और हमें का जानो नहीं आजी, हमें पहले जानो नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, हमें का जानत नहीं आ। और एक बार मुनि संग में तुमने पथिरा नारी बनाई, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाके पत्थर को नारी बना दिया। बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं महाराजा, है? देखने में जितने सीधे उतने टेढ़े मेढ़े काम करते हो। उल्टे सीधे काम है ये। और क्या? अच्छा, एक बार मुनि संग में तुमने पथिरा नारी बनाई, नारी बना के निज पतिरज से अपने धाम पठाई, नारी बना के निज पतिरज से अपने धाम पठाई, हमें पहचानो नहीं आजी, हमें का जानो नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। इसलिए महाराज देखिए बार बार हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं और पैर भी पड़ रहे हैं, वो भी दूरी से, हम आपको छुएंगे नहीं क्योंकि हम हैं अछूत। अछूत हो, हाँ, आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का। पहली बात तो हम ये छूत और अछूत मानते नहीं है। आप नहीं मानते ना? क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए, ये तो जात जात के पाहुने, जात जात, जात, जात में जात, हमारी ऐसी जाति है जो सब जात मिल जात। अब मिल गया है जोड़ तुम्हारा बढ़िया है,
देखो वो भी बता रहे हैं। और सुनो केवट भैया, ये भी बिना पेंदी के हैं और हम भी बिना पेंदी के हैं। नहीं महाराज, आपकी तो बातें अलग है, लेकिन क्या कह रहे हो, जात जात के पाहुने। हाँ। पाहुने माने क्या होता है? देखिए पाहुने के तृतीय शब्द हैं, तीन अर्थ हैं। जैसे जैसे एक तो पाहुने माने पत्थर भी होता है। हाँ। और एक पाहुने माने बर होता है। हाँ। तो अब आप, अब इनको पाहुना कहा गया है जब ये दूल्हा बने थे। हाँ। तो दूल्हा सबके यहाँ जा सकता है, ना कि बाबा। जाति जाति के पाहुनो, जाति जाति में जात, और रघु पर ऐसी जात है जो सब जात। तो पाहुने तो आप है नहीं, जब थे तब गए आप, जिनके रही भावना जैसी। लेकिन महाराज अब कहा, बड़े चतुर हो तुम। देखिए आपके समझ में ना आएंगे, क्योंकि ये प्रेम की बातें हैं। प्रेम लपेटे अटपटे, और यदि समझ में आ जाए तो अटपटे किस काम के। प्रेम का जो पीले प्याला। वाह, अटपटे का मतलब है बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और। हाँ, यही अटपटा होता है। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुहा वाला। हो मैंने प्रेम रंग साने गए, प्रेम कम है क्या? प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुआ वाला। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुआ वाला। हो मैंने प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही कारण मिलते, प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम के ही कारण मिलते। हिसाब से आप क्षत्रिय हैं। हाँ। और जब क्षत्रिय हैं महाराज, तो आपके अलावा आपके वंश में जिनका भी नाम लिया गया है, चरित्र नहीं है वो, कथा या नाटक चाहे जो, चरित्र। और चरित्र किसका होता है? चरित्र उस परमात्मा का होता है। तो आप वही वाले तो नहीं है? जो पीले प्याला, मिल जाए धनुआ बाला। प्रेम का जो पीले प्याला, मिल जाए धनुआ बाला। मैंने प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही कारण आए, प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम के ही घर में मिलते, प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम के दीवाने। और इसी प्रसंग की प्रस्तुति में, और जिसने एक को छोड़ दिया वो ना यहाँ का रहा ना वहां का, एक के होके रहे। महाराज आपने हमें भैया कहा है, तो आप केवल इसी संबंध को सार्थक कर दो। चलो ठीक है, बेज्ञान जल पाए पखारू, ऐसे नहीं होत विलंब उतारी पारू। देखो अब जल्दी कर दो, नहीं तो लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी पड़। महाराज ऐसी बात नहीं, देखिए आप ज्यादा जल्दी में रहे, मैं तो चाहता हूँ कि आप ना जाए, मैं तो उलझाया हूँ आपको। नहीं हमने तो कह दिया महाराज,
आप केवल इस संबंध को सार्थक कर दिए, आपने हमें भैया कहा, हमने अपने जीवन में नहीं सुना, रे तेरे सुनते रहे हैं, केवट एवट दुनिया का ना जाने क्या क्या आदमी कहता था। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में चारों वर्ण होते भैया, आपको बताए हम चारों, हाँ जो मुख है वो है ब्राह्मण, भुजाएं हैं क्षत्रिय, और ये पेट है वैश्य, चरण है शूद्र। तो जब आपके चरण भी शूद्र है, केवट भी शूद्र है, तो भाई को भाई से मिलने नहीं दीजिए, मैं आपको उस पार कर दूंगा। कैसी रही? और आप हरनो पहलो